देखिए आज का दिन वास्तव में भारत के लोकतंत्र का एक काला दिन के रूप में आज के दिन को याद किया जाता है। 1975 को ये 25 जून का ही दिन था। उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू की थी, यानी सब कुछ बोलने की स्वतंत्रता, लिखना पढ़ने सब चीज़ की वो स्वतंत्रता को समाप्त कर दी थी। और उसके बाद देश के अंदर में सरकार के विरोध में कोई भी लोग थोड़ी आवाज़ उठाते थे, बड़े बड़े नेता से लेकर के सामान्य जनों तक को जेल में उन्होंने ठोक दिया। तो आज इसलिए भी याद करना अधिक ज़रूरी है क्योंकि जिन लोगों ने, जिस परिवार ने लोकतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र की गला घोटा, और जो वही लोग देश छोड़ दीजिए दुनिया में भी घूम घूम करके कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में, इससे बड़ी आश्चर्य और क्या हो सकता है। आज तो ना लिखने की कोई पाबंदी है, ना बोलने की, ना दिखाने की। उस समय तो गिने चुने मीडिया थे, उसको भी सरकार ने बंद कर दी थी। आज तो हर लोगों के हाथ में मोबाइल है, अगर उनको अखबार में जगह नहीं मिलता है, टेलीविज़न में जगह नहीं मिलता है, तो फिर अपने व्हाट्सएप में, अपने ट्विटर में अपनी भावनाओं को वो व्यक्त करते हैं स्वतंत्र रूप से। इतनी आज़ादी तो पहले कभी नहीं थी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब से गरीब लोगों को भी ये सुविधाएं उपलब्ध करा दी, इससे बड़ी और क्या हो सकता है। तो आज जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं लोकतंत्र की हिफाजत के नाम पर, सचमुच सच तो ये है कि जो लोग परिवार के लिए राजनीति करते थे, पैसे के लिए राजनीति करते थे, आज उनको उनकी दुकानें बंद होती दिख रही है, बहुत कुछ तो बंद हो गया, तो इसलिए वो लोग एक हो रहे हैं। इसलिए आज के तारीख में 25 जून 1975 को याद करना और अधिक जरूरत है।